लखनऊ में सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। नगराम थाना क्षेत्र के समेसी में बारातियों को लेकर आ रहा एक वाहन नहर में गिर गया। इस गाड़ी में कुल 29 बाराती सवार थे। आसपास के लोगों की मदद से 22 बारातियों को किसी तरह सही सलामत बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 7 बारातियों की अभी भी नहर में तलाश की जा रही है। लापता में सभी बच्चे हैं जिनकी उम्र 4 साल से लेकर 8 साल के बीच है। हादसे के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वही बताया जा रहा है कि सुबह के करीब 3 बजे जब बारातियों को लेकर लौट रही पिकअप गाड़ी इंदिरा नहर में गिरी तो हड़कंप मच गया। अचानक हुए शोर के कारण आसपास के लोग जाग गए और मदद के लिए आगे आ गए। हालांकि हादसे की सूचना पर बचाव और राहत कार्य के लिए NDRF और SDRF की टीम भी मौके पर पहुंचकर लापता बच्चों की तलाश में लगी हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही DM कौशल राज शर्मा, IG जोन SK भगत, SSP कलानिधि नैथानी समेत तमाम बड़े अफसर मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। वहीं CM योगी ने भी घटना पर दुख जताते हुए राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने और लापता लोगों की तलाश करने के निर्देश दिए हैं। नहर हादसे का शिकार हुए सभी लोग बाराबंकी के लोनी कटरा थाने के सराय पांडे गांव के रहने वाले हैं। हादसे की खबर मिलते ही NDRF, SDRF और गोताखोर की टीम भी मौके पर पहुंचकर लापता बच्चों को खोजने में जुटी है। इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने अफसरों को घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में मदद करने का आदेश दिया है। लखनऊ के DM कौशल राज शर्मा, IG रेंज लखनऊ SK भगत और SSP कलानिधि नैथानी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। इसके साथ ही तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि बारातियों से भरे पिकअप वाहन ने नियंत्रण खो दिया और सीधे नहर में जा गिरा। बारातियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। वहीं पुलिस के मुताबिक राम बहादुर निवासी सराय पांडे थाना लोनी कटरा बाराबंकी अपने रिश्तेदार सूर्यपाल महादेव निवासी पटपखेड़ा लखनऊ में लड़के की शादी में आए थे। शादी में शामिल होने के बाद पिकअप से देर रात वापस लौट रहे थे, तभी करीब सुबह पिकअप पटवा खेड़ा पगडंडी के पास इंदिरा नहर में अनियंत्रित होकर गिर गई। पिकअप पे कुल 29 लोग सवार थे जिसमें 22 लोग निकाल लिए गए हैं, बाकी 7 लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। लापता बच्चों के नाम आपको बताते चले, मानसी है 4 वर्ष की, मानसी 4 वर्ष की है पुत्री राजू की, लापता बच्चों के नाम ही आपको बता रहे हैं। वहीं बाबूलाल का पुत्र सचिन 6 साल का है। तेज नारायण का पुत्र सौरभ जो कि लापता है। आसाराम का 8 साल का पुत्र साजन वो भी लापता है। राम प्रकाश का पुत्र 9 साल का अमन वो भी इस हादसे के बाद से लापता है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ में, जहां सड़क हादसे के बाद से 2 बच्चों के शव निकाले गए हैं। आपको बताते चले बारातियों से भरी पिकअप नहर में गिर गई थी, वही 4 बच्चों की तलाश की जा रही थी। NDRF ने 2 बच्चों के शव निकाल लिए हैं। वही शव मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ हादसे से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 बच्चों के शव निकाले गए हैं, NDRF की टीम ने 2 बच्चों के शव निकाले हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक यादव लाइव जुड़ गया है। जी अभिषेक, आपसे जानेंगे लखनऊ में सड़क का हादसे के बाद से जहाँ 4 बच्चों की तलाश की जा रही थी, 2 बच्चों के शव NDRF की टीम ने बाहर निकाले हैं, और क्या अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल मैम, आपको बताना चाहेंगे ये नगराम के पटवा का मामला है, जहां पर आज सुबह 3 बजे एक अनियंत्रित पिकअप नहर में गिर जाते हैं जिसमें 29 लोग सवार होते हैं। सुबह प्रातः 21 लोगों को सकुशल बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन जो 7 बच्चे गायब रहते हैं, जो लापता रहते हैं, जिनको NDRF और SDRF की संयुक्त टीम कड़ी मशक्कत के 12 घंटे बाद सर्च ऑपरेशन लगातार चला बाहर निकाले गए हैं, जिनकी पहचान उनके परिजनों से कराई जा रही है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। यही नहीं, वहां पर हम आपको तस्वीर में दिखाना चाहेंगे, आप देख पा रहे किस तरीके से, यहाँ पर आप देख पा रहे किस तरीके से NDRF के जो जवान हैं वो किस तरीके से पानी में उतरे हुए, स्थानीय गोताखोरों की मदद से पूरा पानी में उतर करके जो सर्च ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से कर रहे हैं। और इसके साथ हम और दिखाना चाहेंगे, आप देख पा रहे किस तरह से यहाँ पर बड़े संख्या में लोगों का जो है जनसैलाब उमड़ा, कहीं ना कहीं लोगों में एक संवेदनाएं है कि जो बड़ा हादसा हुआ है उसमें किस तरह की लापरवाही थी, हर
व्यक्ति ये चीज जानना चाहता है उसके साथ आप यहाँ पर एनडीआरएफ के जो जवान है उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, चूंकि पानी का बहाव तेज था लेकिन जिस तरह से जिला प्रशासन ने नहर विभाग से बात करके, सिंचाई विभाग से बात करके पानी के बहाव को कम कराया, उसको कम कराने के बाद अब एनडीआरएफ के जवान आप देख पा रहे किस तरह से हाथ में हाथ डाल करके जमीनी स्तर पर चल रहे ताकि जो सौ है कहीं ना कहीं उनको साकुशल तरीके से निकाला जा सके। जी जी अभिषेक, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लखनऊ में बारातियों से भरी पिकअप नहर में गिर गई थी जिसके बाद कई लोगों की तलाश की जा रही थी। वहीं ताज़ा अपडेट के मुताबिक दो बच्चों के शव बरामद किए हैं एनडीआरएफ की टीम ने। मौके पर सभी अधिकारी मौजूद हैं, राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। पांच बच्चे अब भी लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम जमीनी स्तर पर नहर के पानी के बहाव को भी कम कर दिया गया है और लगातार प्रयास जारी है राहत बचाव कार्य का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव टुडे के साथ।